नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बने ऑस्ट्रेलिया में जीत के शिल्पकार रहे मोहम्मद सिराज की कहानी अद्भुत है। सिराज के पिता अपने बेटे को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते देखने की हसरत लिए चल बसे। आज अगर वो जीवित होते तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता। ईदगाह में नंगे पांव क्रिकेट खेलने से गाबा के सिकंदर बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। सिराज की कहानी किसी फिल्मी पटकथा सी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोहम्मद सिराज को मोहम्मद शमी के चोट लगने के बाद भारतीय स्टेट टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। उन्होंने सटीकता से गेंदबाजी की और कंगारू बल्लेबाजों को खूब छकाया। अपने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर उन्होंने जो शुरुआत की वो काबिले तारीफ है। सिराज के पिता ऑटो चलाते थे और बेटे को क्रिकेट खेलने का जुनून था। संसाधनों की कमी थी, लेकिन जज्बे की नहीं। पिता चाहते थे कि बेटे के अरमान पूरे हों और उनका ख्वाब था कि बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट जरूर खेले। बेटे के अरमानों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। बेटे ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो पूरी मेहनत के साथ लगा रहा और आखिर हैदराबाद की गलियों से निकलकर वो मेलबर्न के मैदान पर पहुंचा। सफेद जर्सी पहनकर हाथ में लाल गेंद लेते हुए दौड़ता दिखा, पर बेटे को यूं दौड़ते देखने के लिए अपना जीवन झोंकने वाले पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मोहम्मद सिराज की कहानी किसी फिल्मी पटकथा सी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। सिराज ने 2-1 से सीरीज जीत में 13 विकेट चटकाए। ब्रिस्बेन में मिली जीत का जश्न हैदराबाद में भी मनाया गया। सिराज के पिता मोहम्मद गोस का 20 नवंबर को इंतकाल हो गया था। इसके एक सप्ताह पहले ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और कोरोना प्रोटोकॉल के कारण सिराज अंतिम संस्कार के लिए लौट भी नहीं सके। मोहम्मद सिराज ने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे स्टेट में अपना डेब्यू किया था, फिर गाबा में 5 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत की बुनियाद रखी। कुछ साल पहले सिराज हैदराबाद में फर्स्ट लॉन्सर इलाके के स्थानीय ईदगाह मैदान में नंगे पांव गेंदबाजी करते थे। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही पिछले साल नवंबर में अपने पिता को खो दिया। उन्हें बोर्ड ने स्वदेश वापसी का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के साथ ही रहना पसंद किया। तब सिराज ने बीसीसीआई को कहा था कि मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका सपना था कि मैं भारत के लिए टेस्ट खेलूं और देश का नाम रोशन करूं। सिराज का जन्म 1994 में हैदराबाद के फर्स्ट लॉन्सर इलाके में एक किराए के मकान में हुआ था। जब सिराज का चयन 2017 में भारतीय T20 टीम में हुआ, तब उन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि अब उनके पिता ऑटो रिक्शा नहीं चलाएंगे। सिराज ने कभी औपचारिक रूप से क्रिकेट कोचिंग नहीं ली। वो शुरुआत में घर के नजदीक में मैदान में कैनवस गेंद से अभ्यास करते थे। अब सिराज के पास जूते भी हैं और क्रिकेट खेलने के लिए जर्सी भी। तो अद्भुत है ना मोहम्मद सिराज की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने कि कितनी जद्दोजहद, कितने उतार चढ़ाव अपनी इस दुनिया में, अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन उसके बाद कामयाबी की बुलंदियां छू गए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।